अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल यार। वेलकम बैक हो गया एक और मज़ेदार वीडियो के अंदर। अच्छा यार, आप लोगों ने थंबनेल थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आप लोगों को आज मैं ना चिकन डिनर करने का तरीका कहूँगा। मतलब कि आप लोग कैसे चिकन कर सकते हो, कैसे बंदे शंदे मार सकते हो, किस अच्छे के साथ आप लोग चिकन कर सकते हो ना, तो वो आप लोगों को सारा कुछ इस मैच में बताऊंगा। फिलहाल आपका भाई इवेंट पे लैंड होता है, यहाँ एक बंदा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहा होता है। भाई आपने कभी भी एनिमी के ऊपर पुश नहीं देना, एनिमी आपके ऊपर पुश देगा ना तो काफ़ी ज़्यादा इजी सीन होगा आपके लिए, क्योंकि आप एनिमी को इजीली मार सकते हो। आप ओपन में उसको डैमेज दो, जैसे ही वो आए इसको ईजिली पकड़ लो। जैसे मैंने इस भाई को डैमेज दिया, लेकिन इसका बंदा जिसको हमने शुरू में मारा था वो आगे ना हमें बैक से मार जाता है। मतलब कि बैक से मारा है, मतलब समझा करो ना यार, डर गए थे बच्चे। खैर फिलहाल आपका भाई वापस आता है। अभी ना यहाँ पे जिस बंदे ने ना जैसी मोली निकाली मैंने नीचे पुश दे दिया, अभी ये बेचारा फंस गया था बहुत गंदे वाला। लेकिन खैर इसको मैंने नोक किया, अभी इसका टीममेट आने वाला है। अभी ना मैं आपको सीधी और प्रो टिप्स बताता हूँ। आपने ना हमेशा कवर पकड़ना है इस बंदे को, तो मैंने फिनिश कर दिया, अभी मैं पकड़ूंगा कवर। अभी भाई साहब वो बंदा जैसे ही ऊपर में आया ना आपके भाई ने इसको ईजिली यहाँ पर डाउन करना है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कवर में फाइट लेने का, आप इजी हो जाते हो और लेकिन आपको किल्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं और एनिमी भी इजीली मर जाता है। खैर फिलहाल यहाँ पे आपके भाई ने आके ना इतने ज़्यादा किल करने हैं ना, आप लोग बस सोचते रहोगे। फिलहाल यहाँ पे 5 किल है, लेकिन मैच के एंड होते होते ना इसे दुगने से भी ज़्यादा किल करने वाला है आपका भाई, वो भी आप लोग देखोगे। फिलहाल ना ये पोजीशन मैंने इसलिए पकड़ ली क्योंकि यहाँ ना हर बंदे का मुझे व्यू मिल रहा था, प्लस मुझे यहाँ पे किल्स भी बहुत अच्छे खासे मिल गए। फिलहाल आपके भाई ने यहाँ पे 8 किल कर लिए हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ना गाड़ी लेके निकलने वाला हूँ, मैंने कहा सामने घरों में चलते हैं क्योंकि पोजीशन वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन इतनी देर में पीछे से एक भाईजान आते हैं और मुझे कहते हैं भाई साहब रुको, मेरा किल भी लेते जाओ। तो मैंने जल्दी से अभी आगे किट शिट मार ली, ठीक है, और भाई ओपन में भी आ गए। जैसे भाई ऊपर में आया मैं भी ऊपर में गया, इसको इजीली यहाँ पे नॉक किया, लेकिन इसका किल कोई और चोरी कर लेता है। पीछे से एक बंदा आता है वो मेरा किल चोरी कर लेता है, मैं यहाँ पे मोली करवा देता हूँ। मुझे नहीं पता था एक बंदे या दो बंदे हैं, लेकिन ना ये एक ही होता है और मेरा किल भी चोरी हो जाता है। आपने चेक किया होगा किल मैसेज पे, एक्स लवर भाई ने यहाँ पे किल चोरी कर लिया। फिर आपका भाई गाड़ी लेके यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे एक बंदा होता है। यहाँ पे प्रो टिप्स मैं आपको देता हूँ कि आप लोग ना यहाँ पे 1v4 भी कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। यहाँ पे सीढ़ों पे ये वाली पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे देखो 1v1 की फाइट लेना भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मैं कहता हूँ 1v4 की फाइट लेना भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो खैर इस तरह भाई को मैंने पकड़ लिया, अभी ना मैं इन घरों पर आ जाता हूँ। वजह सिर्फ इसकी ये है कि ना ये घर जो होते हैं ना बिल्कुल मिडल में होते हैं जोन के, और यहाँ पे ना चारों तरफ का मुझे व्यू भी मिल रहा होता है, और मुझे और क्या चाहिए भाई साहब जब हर चीज़ व्यू मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पे आपको भाई 10 किल भी हो चुकी है, और इसी के साथ यहाँ पे 7-6 बंदे अलाइव भी रह चुके हैं। इतने में एक बंदा यहाँ पे पुश कर देता है, अभी फाइट रह जाती है 2v1v1 यानी कि मैं। तो फिलहाल मैं ना एक ग्रेनेड कराता हूँ, इतनी देर में एक भाईजान यहाँ पे मेरे पर पुश दे देते हैं जिसको हमने थोड़ा बहुत लो दिया होता है, और मैं ना इसको इजीली पकड़ भी लेता हूँ। ये पता नहीं कौन से नशे में होता है, इसको ना जल्दी से फिनिश करवा देता हूँ भाई, क्योंकि लास्ट जोन चल रहा है, किल चोरी होने का खतरा भी रहता है, तो आपको पता है। इसी के साथ हमारे 11 किल हो चुके हैं, और इतनी देर में ना एक और भाई पुश करवाता है। ये तो बेचारा कवर ले रहा था, लेकिन ना साइड से पड़ती है तो मैं इसको इजीली ले जाता हूँ। ये भाई वैसे मेरे ख्याल में अपग्रेड वाला भी होता है, मतलब इसके पास बैरल शायद अपग्रेड होती है। तो खैर सामने मुझे एक बंदा नज़र आता है, भाई इसको ऐसे नहीं मारेंगे, ये बच जाएगा। इसको ना बाहर जाकर इसी तरीके से फुल फिनिश करना है ताकि इसको बचने का मौका ही ना मिले। खैर बाहर आता हूँ, ये नेट को करके बैठा होता है, मून भाई को हम लोबी भेज देते हैं। अगेन से भाई बात आ जाती है पोजीशन की, तो मैं यहाँ पे ना एक अच्छी सी पोजीशन पकड़ लेता हूँ। जोन के अंदर होती है और एनिमी जो होते हैं जोन के बाहर होते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है ये वाला, क्योंकि चिकन करना ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी ना यहाँ पे एक भाई ज़रा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में ना मेरे ऊपर पुश दे देता है, तो मैं इसको इजीली यहाँ पे नॉक कर लेता हूँ। इसका एक और बंदा होता है जो कि बिल्कुल सामने ही होता है पत्थर के पीछे, लेकिन ना वो आता है ओपन में, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन ना इसकी किस्मत अच्छी होती है, ये मेरे हाथों नहीं मरता, ये जोन में मर जाता है। फिलहाल ये बंदा भी अच्छा खेल रहा होता है, मतलब ओपन में नहीं आ रहा होता, लेकिन खैर इतनी देर में जोन पर चल पड़ता है और ये बंदा ओपन में आता है और जोन से मर जाता है। अभी मैंने आपको बोर नहीं करना, तो इसलिए ना ये वाला गेम प्ले फुल रश गेम प्ले अपने टीममेट के साथ खेल रहा था, तो आपको पता है कैसा मतलब मज़ा आने वाला है। फिलहाल मैं उतरता हूँ, मुझे मिल जाते हैं UMP, बाहर एक पूरा स्क्वाड लैंड होता है जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, फ्री के किल्स मिल रही है, तो आपको भाई जल्दी से बाहर जाता है। एक बंदे को यहाँ पे मैंने नॉक किया, इसको यहाँ पे फिनिश करवा देता हूँ, इसका एक बंदा ऐसे भाग जाता है, लेकिन खैर इसको भी हम पकड़ लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, सारे हैं तो इवेंट के ऊपर ही ना। फिलहाल मेरा टीममेट भी एक मर जाता है और यहाँ पे ना एक मुझे फ्री का किल भी मिल जाता है। बेचारा लूट कर रहा होता है, सामने भी बंदे होते हैं पीछे भी बंदे, तो बेचारा कहीं जा नहीं सकता होता। खैर इस छत के ऊपर भी बंदा होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहा होता है, दिमाग से गेम शेम खेल रहा होता है बंदा, अच्छा प्रो होता है, दिल से रिस्पेक्ट है बंदे के लिए। लेकिन खैर आपका भाई भी कम नहीं होता, तो मैं ना ऊपर पूछ देता हूँ, लेकिन ना ये बंदा भाई इतना ज़्यादा अच्छा खेल रहा होता है कि ये बंदा ना मुझे काफ़ी ज़्यादा लो करने वाला है। मैं इसके ऊपर पूछ देता हूँ, सामने खड़ा होता है, लेकिन ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लो करता है। इतनी देर में एक फ्री का किल भी मिल जाता है, मैं जल्दी से
नीचे जाता हूँ ताकि अपनी हेल्थ पूरी कर सकूँ। इतनी देर में मेरा टीममेट भी आता है, वो किल चोरी कर लेता है। खैर आपके भाई को MG3 मिल जाती है, मैं सीधा पुश कर देता हूँ। इस बंदे के पास भी MG होती है और डबल MG वाला मज़ा आपको इस मैच में देखने को मिलने वाला है। सामने मेरे एक बंदा लैंड होता है जो कि ना बोर्ड मारने के चक्कर में बेचारा लोबी को चला जाता है। यहाँ पर मैं अपनी गड्डी से उतरता हूँ, गड्डी मेरी पीले रंग दी। फिलहाल यहाँ पे ये बेचारा बोर्ड मार रहा होता है कि मैं पीछे से आकर इस भाई को लोबी रवाना कर देता हूँ। अभी ना यहाँ पे आपको भाई को रिफ्लेक्स मैं दिखाने लगूँ आपको, आपको मज़ा आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे एक किल तो मेरा चोरी, मतलब चोरी तो नहीं, खैर मैं टीममेट का चोरी करना चाह रहा होता हूँ, लेकिन खैर असिस्ट मिल जाता है। मैं बाहर आता हूँ, इस छत के ऊपर एक बंदा होता है, लेकिन इस छत पर अकेला एक बंदा नहीं होता, मतलब कि बैक पे भी मेरे बंदा होता है। तो इसको एक अदद रिफ्लेक्स पड़ जाता है, बिल्कुल 0 HP के ऊपर आपका भाई बचता है। जल्दी से घर के अंदर आते हैं, यहाँ पे ना हेल्थ शेल्थ कर लेते हैं। इतनी देर में ये बंदा भी नीचे उतर जाता है जो कि काफ़ी सही खेल रहा होता है, प्रो बंदा होता है, आप चेक करो अगर के साथ गेम कर रहा है। लेकिन आपका भाई भी कम नहीं है, तो मैं सीधा इस बंदे के ऊपर करवा देता हूँ पुश। इसको भी यहाँ पे नॉक किया, अभी ने इनको मार देते हैं जल्दी से। इतनी देर में पबजी वाले एक बोर्ड भी सेंड कर देते हैं कि यार ये लो 10 किल की खुशी में एक बोर्ड भी ले लो। खैर इस मैच में तो आपके भाई को 3-4 बोर्ड मिलते हैं। जैसे मैं अपनी MG3 रिलोड करता हूँ ना, पीछे से मुझे एक बंदा नज़र आ जाता है जो कि सही ठीक ठाक प्लेयर होता है, लेकिन MG3 का इसको स्प्रे देता हूँ कि इतनी देर में मेरे टीममेट दोनों भाई सब नोक होने वाले हैं यहाँ पे। तो आप समझे, अंदाज़ा लगा लो यार, प्लेयर अच्छा था सामने वाला, इसने दोनों टीममेट को यहाँ पे नोक कर दिया। लेकिन आपका भाई इसके ऊपर पुश देता है, ये ना पीछे भागने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन आपका भाई इसको ना किस तरीके से नोक और फिनिश भी कर देता है लगे हाथ। इतनी देर से अगेन पबजी वाले मुझे एक बोर्ड भेज देते हैं कि भाई साहब लो ऐश करो। अब फिर से आपका भाई ना गाड़ी उठा के बंदे ढूंढना शुरू हो जाता है। इतनी देर में यहाँ पे मुझे दो बंदे मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी ठीक ठाक प्रो प्लेयर होते हैं भाई साहब। तो मैं अपनी गाड़ी रोकता हूँ, सीधा इस बंदे को ऊपर पुश करता हूँ। एक दो बुलेट लगती है, ये बंदा साइड पे भाग जाता है, लेकिन खैर इसको मैं नॉक कर लेता हूँ। इतनी देर में इसका एक और बंदा आ जाता है जो कि सबसे ज़्यादा प्रो होता है, आई थिंक इस मैच का सबसे अच्छा प्लेयर यही होता है। लेकिन खैर आपका भाई भी किसी से कम नहीं है, तो मैं इसके ऊपर सीधा पुश करता हूँ और इसको ईजिली यहाँ पर पकड़ लेते हैं। अभी ये सारे मर चुके हैं, यहाँ पर 16 किल भी हो चुके हैं। लास्ट में यार मेरे साथ हो जाता है प्रैंक भी आप लोग देख लो, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब से लाजमी कर देना है, ठीक है। जल्दी से 2K फैमिली कंप्लीट करो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।